जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एमसीक्यूज थे, हाँ कोई लेक्चर, ठीक है। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद रखिए, ये हमारे सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म है कि आएंगे, ठीक है। इसलिए इसमें हमने खासतौर पर सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी। चैप्टर रिलेट करता है फर्म इक्विलिब्रियम से। देखिए, चैप्टर 2 में हमने सीखा था मार्केट इक्विलिब्रियम, कि कोई भी मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। डिमांड क्रिएट होती है बायर्स की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से, और सप्लाई जो है ये फर्म्स या प्रोड्यूसर की तरफ से गुड्स को सप्लाई किया जाता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 में हमने पढ़ा। फिर इसके बाद चैप्टर 4 में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। तो चैप्टर 5 में हम अब फर्म इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। असली तौर पे इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था फर्म इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, लेकिन उसने हमारे चैप्टर का नाम रखा कॉस्ट रेवेन्यू एंड फर्म, ठीक है। तो फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्कशन सारी फर्म के हवाले से ही होगी, लेकिन आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे हम फर्म इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे चैप्टर 4 में उसका सारा जो फोकस था वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ था, उसी तरह चैप्टर 5 में उसका सारा इक्विलिब्रियम सारा फोकस फर्म इक्विलिब्रियम की तरफ होगा। लेकिन जाहिर है फर्म इक्विलिब्रियम जिस तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए हमें इंडिफरेंस कर्व की भी जरूरत पड़ी, हमें बजट लाइन की जरूरत पड़ी, हमने पहले वो कंसेप्ट सीखे, उसके बाद इक्विलिब्रियम की तरफ गए। एग्जैक्टली उसी तरह फर्म इक्विलिब्रियम में भी हमें कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद हम फर्म इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह कंसेप्ट ये है कि कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है जब उसे कंजम्पशन ऑफ गुड से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी तरह कंसेप्ट ये है कि कोई भी फर्म उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब उसे प्रोडक्शन ऑफ गुड से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट आप काउंटिंग में पढ़ते होंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो इसका मतलब है डायरेक्ट हम फर्म इक्विलिब्रियम पे नहीं जा सकते, पहले हमें कॉस्ट को समझना पड़ेगा, फिर रेवेन्यू को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम फर्म इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए जो उसने हमारे चैप्टर का टाइटल रखा कॉस्ट रेवेन्यू एंड फर्म, ठीक है, सीक्वेंस में हम इनको पढ़ेंगे। आज हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को, इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को, ठीक। फर्ज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक किसान है, फार्मर है, वो अपनी लैंड पे काश्तकारी करता है, कुछ चीजें फॉर एग्जांपल सेब वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर उससे कहा जाए भैया आप एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोड्यूसर है, आप फर्म है एक तरह से, तो बताइए कि आप किस वक्त इक्विलिब्रियम में होंगे? वो कहेगा भैया जब मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। हम कहेंगे अच्छा, इसका यह मतलब है कि यानी जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी सेल प्राइस रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो और कॉस्ट कम से कम हो, तब आप इक्विलिब्रियम में होंगे। उसने कहा बात तो ठीक की आपने, लेकिन बात आधी की। गौर से सुनिएगा ये कंसेप्ट। कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे पहले भी हमारा कोई मकसद होता है। हमने कहा वो क्या? हमने कहा आप अकाउंटेंट बन के सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर बन के नहीं सोच रहे। इससे पहले हमारा मकसद ये होता है कि हम जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटपुट है हमारी, वो मिनिमम इनपुट से प्रोड्यूस होनी चाहिए। यानी हम चीजें भी मिनिमम, बीज खाद वगैरह जो है वो भी हम कम से कम इस्तेमाल करें और हमारी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। ये चीज यानी इन शॉर्ट हमें वो अमाउंट के साथ साथ क्वांटिटी की तरफ भी तवज्जो दिला रहा है। कह रहे कहे ये ना हो कि प्राइस बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन हम जितनी चीजें प्रोड्यूस करते हैं आधी से ज्यादा वो वेस्ट हो जाती है, जाया हो जाती हैं, तो उस सूरत में रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कम होने के बावजूद भी अल्टीमेटली नुकसान होगा।
तो उसने कहा पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा इनपुट कम से कम हो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो क्वांटिटी वाइज। इसमें कॉस्ट रेवेन्यू का जिक्र नहीं कर रहा, कह रहा फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम ये कहते हैं कि जी रेवेन्यू मैक्सिमम हो और कॉस्ट मिनिमम हो। क्योंकि अगर थोड़ा सा सोचे तो अगर मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कॉस्ट पर भी पड़ेगा अल्टीमेटली। तो एज अकाउंटेंट नहीं सोचना, पहले हमने एज प्रोड्यूसर सोचना है कि प्रोड्यूसर का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमारी मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप का एनालिसिस करना, इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? बेसिकली इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप स्टडी करना, इसे कहते हैं कॉस्ट और रेवेन्यू का रिलेशनशिप स्टडी करना प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है। कॉस्ट और रेवेन्यू का रिलेशनशिप, आज जो भी बात करेंगे हम कॉस्ट के बारे में नहीं करेंगे, रेवेन्यू के बारे में नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे इनपुट आउट के, कितनी क्वांटिटी इनपुट करने से कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होती है, यह है प्रोडक्शन फंक्शन। समझ आ गया कंसेप्ट? हम पढ़ने के आगे चल, सिर्फ इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप इसके ऊपर फोकस करना है, कॉस्ट के बारे में रेवेन्यू के बारे में हमने नहीं सोचना। अगली बात, प्रोडक्शन फंक्शन हमें पता चल गया क्या है। अब एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन, ये दोनों में फर्क आपको पता, आपको बताया था ना कुछ इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है जिनमें शॉर्ट रन में सिचुएशन कुछ और होती है, लॉन्ग रन में सिचुएशन कुछ और होती है, याद है? वो आपको बताया था करीब का नुकसान दूर का फायदा, और करीब का फायदा और दूर का नुकसान। बताइए हमें फैसला करते हुए कोई भी सिर्फ करीब का फायदा देखना है या दूर का नुकसान भी देखना चाहिए? और सिर्फ करीब का नुकसान देखना चाहिए या दूर का फायदा भी देखना चाहिए? भाई आज हमें 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, ये है करीब का नुकसान सीए करने के लिए, लेकिन इससे होगा क्या दूर का फायदा? वो क्या होगा? एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, ठीक है, और फिर और हाँ मोबाइल इस्तेमाल करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना, फेसबुक व्हाट्सएप, ये क्या है? ये करीब का, ये करीब का फायदा है, इससे होगा क्या दूर का नुकसान? ठीक है, क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकेंगे। अच्छा अब सुने इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, अगर किसी चीज का करीब में भी फायदा है दूर में भी फायदा है, क्या उसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे शॉर्ट रन में सिचुएशन कुछ और है, लॉन्ग रन में सिचुएशन कुछ और है, फिर दोनों का एनालिसिस करना चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो था उसमें हमने क्या कोई शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात की? हमने कोई बात नहीं की, वहां पर यह कंसेप्ट इरेलेवेंट था। लेकिन फर्म इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन में सिचुएशन डिफरेंट होती है, लॉन्ग रन में सिचुएशन डिफरेंट होती है, इसीलिए इस चैप्टर में हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फर्म ऐसी होती हैं जो शॉर्ट रन में हो सकता है नुकसान में हो, लॉन्ग रन में प्रॉफिट में हो, इसी तरह कुछ फर्म ऐसी भी होती है शॉर्ट रन में प्रॉफिट में होती है, लॉन्ग रन में नुकसान में होती है, ठीक है। तो ये एनालिसिस हम करेंगे शॉर्ट रन। अच्छा प्रोडक्शन फंक्शन हमें समझ आ गया, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप। अब ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है ये समझ लीजिए। आज का लेक्चर असल में कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट समझ लिया बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो चुटकियों में सारी कैलकुलेशन समझ आ जाएगी, डायग्राम बन जाएंगी, कंसेप्ट समझना असल चीज है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन किसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में? शॉर्ट रन में, ठीक है, शॉर्ट रन कहते हैं, देखे इनपुट आउटपुट, इनपुट को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, आउटपुट को प्रोडक्शन भी कहते हैं। इनपुट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक ही चीज है, आउटपुट या प्रोडक्शन एक ही चीज है, ठीक। अगर कोई भी फर्म कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, आउटपुट कर प्रोड्यूस कर रही है, क्या कुछ ना कुछ इनपुट कर रही होगी, ठीक है। वो इनपुट क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में कहते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। यानी इकोनॉमिक्स की दुनिया में जो भी चीज बनती है
जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होती है कितनी चीजों से मैक्सिमम मिलकर बनती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजों। जैसे हमने वो किसान की एग्जांपल ली, वो जो सेब प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी पास भी लैंड, वो जमीन है जिसमें प्रोडक्शन कर रहा है, लेबर वो चला, हो सकता है उसने कुछ बंदे भी रखे हो, कैपिटल क्या है उसका, वो जो ट्रैक्टर है, अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने, ओनर ब्रॉड कार इन टू बिजनेस, उसका कैपिटल होता ना, तो कैपिटल उसका जो है क्या है, वो ट्रैक्टर है। और एंटरप्रेन्योर वो खुद ही है, बाज़ुकात एंटरप्रेन्योर खुद ही वर्कर भी होता है, लेबर भी होता है, मालिक भी होता है, चार फैक्टर प्रोडक्शन। अच्छा बताइए, अगर उसे कहा जाए भैया तुमने फसल एक एकड़ में, फॉर एग्जांपल मुझे बस रफ सा आइडिया लगा रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, एक एकड़ में तुमने 10 मन एप्पल जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, तो तुम ऐसा करो कि प्रोडक्शन अपनी डबल कर दो। वो क्या, सर जी मेरी बात सुने, मेरे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल नहीं है, मुझे प्रोडक्शन डबल करने के लिए अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी डबल करने पड़ेंगे, मेरे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल, जैसे मैं एक दिन में 8 घंटे काम करता हूं, चलो 16 घंटे कर लूंगा, ठीक है, ट्रैक्टर जो है ये भी एक दिन में 8 घंटे चलता है, चलो थोड़ा ज्यादा चलाने से इस पर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन ये भी चलो 16 घंटे चलाया जा सकता है। भाई लैंड तो मेरी फिक्स है ना, इसको डबल कैसे करूं, ये थोड़ी हो सकता है डबल स्टोरी डाल दूं और ऊपर भी हल चलाया करूं और प्रोड्यूसर नीचे, ऐसे थोड़ी होगा, लैंड तो फिक्स ही होगी ना। तो वो कहने लगा, सर मेरे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, कुछ वेरिएबल, लेकिन अगर आप मुझे 10 साल का टाइम, 5 साल का टाइम दे, तो मैं पैसे इकट्ठे कर करके ये साथ वाला जो बंदा है ना, इसकी जमीन खरीद लूंगा, फिर मेरे लैंड भी वेरिएबल बन जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अभी करंटली मैं कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, सबको नहीं कर सकता। तो इकोनॉमिक्स में कहते हैं, जब आप कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हो, कुछ वेरिएबल हो, तो हम कहते हैं आप शॉर्ट रन में, और जब सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो, हम कहते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क समझ आया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनके बारे में डिटेल में हमने किसी और लेक्चर में पढ़ना है, फिलहाल सिर्फ नाम जहन। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हमारा प्रोड्यूसर कुछ फैक्टर प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, कुछ को नहीं, कुछ वेरिएबल है, कुछ फिक्स है, हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रन। और अगर सारे के सारे वेरिएबल हों, याद रखें सारे के सारे फिक्स कभी नहीं होते, या तो सिचुएशन होगी सारे के सारे वेरिएबल है, या होगी कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं। हम प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट रन में भी पढ़ सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन को लॉन्ग रन में भी पढ़ सकते हैं। शॉर्ट रन में इसका टेक्निकल नाम रखा हुआ है हमने, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन में नाम क्या रखा हुआ है इस प्रोडक्शन फंक्शन का? रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल, एक एक लफ्ज का मतलब समझाना है मैंने, वेरिएबल क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, रिटर्न क्या है, स्केल क्या है, अभी सिर्फ नाम फेमिलियर होते जाए। यहां तक क्लियर है? तो मेरी तसल्ली के लिए मुझे बताइए, प्रोडक्शन फंक्शन किस चीज का नाम है? कॉस्ट और रेवेन्यू का रिलेशनशिप बना, इनपुट और आउटपुट का। इनपुट का दूसरा नाम क्या है? आउटपुट का दूसरा नाम क्या है? बताइए दुनिया में कितने इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? कौन कौन से? शॉर्ट रन का मतलब क्या है? कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हैं, कुछ वेरिएबल हैं। लॉन्ग रन का मतलब क्या है? सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। यहां तक क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, इनपुट और आउटपुट के ऊपर आते प्रोडक्शन फंक्शन। अब मैं आपसे पूछूं अगर
कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप क्या, मैं समझाने लगा। आपने कहा नहीं नहीं सर रहने दें, ये तो हमें पता है। आपने कहा, मैंने कहा क्यों, आपके सर हमें पता है। क्या पता है कि सर इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगी, ये रिलेशनशिप है। और क्या रिलेशनशिप होना है, इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट, ये रिलेशनशिप है ना। ये थोड़ी होना है इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट कम हो जाएगी, ये रिलेशनशिप सर हमें पता है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कैसे, आपने कहा सर हमने तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए हुए हैं। मैंने कहा कौन से क्वेश्चन, आप कहने लगे सर हमने कहा था अगर 10 मजदूर एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्वेश्चन होता था 20 मजदूर एक दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम कैलकुलेशन करके फार्मूला कैलकुलेट करते होते थे 20। याद है सर, हम तो वही इनपुट और आउटपुट है कि अगर मजदूर लेबर इतने वर्कर इतने हो जाए तो क्या सवाल होते ना वो, कि एक किले के अंदर इतने मजदूर इतने दिनों की खुराक है, अगर इतने मजदूर बढ़ा दिए जाए तो खुराक कितने दिन चलेगी, वो इस तरह के क्वेश्चन होते थे रेशियो प्रोपोर्शन के। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन समझिए। मैं कहा आपने कहा सर हमने पढ़ा था 10 इनपुट इंक्रीज करें आउटपुट भी 10 से इंक्रीज हो जाएगी। मैं कहा भैया ये तो आपने पढ़ा था मैथ में, और आपको पता है हमने इससे पहले अपनी इकोनॉमिक्स में अकाउंटिंग को गलत साबित किया हुआ है। याद है कब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट, जिसमें एक वर्कर, मैंने आपसे पूछा था कि मेरे घर के करीब से यूएसबी मिलती है 1000 रुपए की, और हफीज सेंटर जाऊं तो यूएसबी मिलती है 600 की, और मैंने मैंने घर के करीब से यूएसबी खरीदी 1000 रुपए में, बताइए मेरा फैसला सही है कि गलत है। अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग कहती है फैसला गलत है, क्योंकि आपको सस्ती चीज मिल रही थी आपने महंगी चीज खरीदी। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इकोनॉमिक्स कहती है सिर्फ कॉस्ट, अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट में वो पैसे कंसीडर करती है जो हाथ से जाते हैं, कुछ हमारी कॉस्ट वो भी होती है जो एक्सप्लिसिट नहीं होती, हाथ से नहीं जाते पैसे लेकिन फिर भी खर्च होती है। वो क्या है भाई, अगर मैंने फीस सेंटर आने जाने में 1 घंटा लगे और मैंने उसी 1 घंटे को बचा के 400 रुपये आपने इधर गवाया, लेकिन उसी 1 घंटे में मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर पढ़ाया जिससे फर्ज कीजिए मुझे 1000 रुपया मिला, तो अब बताइए जरा सोचिए, अब मैंने असल में, अकाउंटिंग क्या कहती है, इस यूएसबी की कॉस्ट है 600 रुपये। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, नहीं नहीं इस यूएसबी का कॉस्ट है ये 600 और सॉरी ये जो हमारे घर के पास थी 1000 रुपये की थी, हफीज सेंटर में 600 की। अकाउंटिंग क्या कहती है कि जो हफीज सेंटर में यूएसबी है आपको 600 में पड़ी। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, वो यूएसबी आपको 600 में नहीं पड़ी, 600 + 1000 1600 में पड़ी, बाकी भी ठीक है छोटी मोटी चीज मिला के। 600 को कहते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो जो आपने जेब से निकाल के पैसे दिए। 1000 को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपके जेब से पैसे नहीं निकले लेकिन फिर भी आपका खर्चा हुआ, नुकसान हुआ। तो बताइए कौन सा, अकाउंटिंग के मुताबिक कौन सा डिसीजन बेहतर है, हफीज सेंटर वाला। इकोनॉमिक्स के मुताबिक कौन सा डिसीजन बेहतर है, और आप बताइए आपको कौन सा डिसीजन बेहतर लगता है। ठीक है, करीब से ना, नहीं जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, अभी तो आप जाहिर है स्टूडेंट है ना, अभी तो आपको दिल्ली भी भेज दिया जाए 50 रुपये सस्ती चीज मिलेगी उधर भी चले जाएंगे, है नहीं, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, अभी तो आपने क्या, अभी तो कुछ अर्निंग नहीं है ना। तो आपको याद है अकाउंटिंग को फिर हमने गलत साबित किया था इस बेस पे, अब आज मैथ को गलत साबित करने जा रहे हैं, जरा तवज्जा के साथ इधर। फिर ना कहिएगा सर ये क्या समझा दिया आपने, मैथ हमें क्या कहता है, अगर इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप, वो कहता है इनपुट जितनी 10 यूनिट बढ़ाओगे आउटपुट उसी हिसाब से बढ़ेगी, ये कहता है मैथ। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इकोनॉमिक्स कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, कहते हैं आपने मुहावरा सुना होगा एक और एक 11 होते हैं, ये यही कंसेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। आप कहें ना सर दो हर्फी बात करें क्या कहता है,
तो मैं कहूंगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है एक और एक 11 होते हैं, यानी 1 + 1 = 11। अच्छा ये क्या बता रहा है? कह रहा है कि रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता कि आपने 1 से 2 किए, 2 से 3 किए तो आउटपुट उसी हिसाब से बढ़ेगा। नहीं, जैसे फर्स्ट के छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको कंसेप्ट समझने के लिए। एक कंपनी का खर्चा है, एक कंपनी की इनकम है 100 रुपया और उसका जो खर्चा है 50 रुपये, प्रॉफिट 50 रुपये। दूसरी कंपनी का भी एग्जैक्ट ऐसे ही है, 100 रुपये रेवन्यू, 50 रुपये खर्चा, 50 रुपये प्रॉफिट। दोनों मर्ज हो जाती हैं, बताइए दोनों का टोटल रेवेन्यू कितना होगा भला? 200। दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 50 + 50 100 होगी क्या? 100 नहीं होगी, 70 होगी। क्यों? क्योंकि देखें दोनों कंपनी लहदा लहदा थी। दोनों कंपनी के CFO कितने? 2। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितने? 2। सेल्स ऑफिसर कितने? 2। मशीनें 2 खरीदी, पेट्रोल पे खर्चा डबल लग रहा है, गाड़ियों पे खर्चा डबल लग रहा है। जब दोनों इकट्ठी हो जाएगी, सारा काम एक ही जगह पे होगा, तो 2 CFO रखेंगे क्या? एक को निकाल देंगे। 2 चीफ एग्जीक्यूटिव रखेंगे, एक को निकाल देंगे। 2 सेल्स मैनेजर होंगे, एक को निकाल। तो बताइए कलेक्टिवली हमारी कॉस्ट कम होगी कि नहीं? अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसको हम कहते हैं 1 + 1 = 11। शायद बिजनेस मैनेजमेंट अगर आप पढ़े, उसमें पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे, इसे मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं साइनर्जी इफेक्ट। इसे कहते हैं 2 + 2 = 5 या 2 + 2 = 5, ये बोलते हैं उसको। तो अब देखें वन कंसेप्ट समझे पहले। 1 + 1 = 11। मैं आपसे कहता हूं, मुझे ये बताइए, एक बंदा है, उसको हमने यहां पे कहा भाई तुम पेंट करो। वो कहता है ठीक है सर मैं पेंट करूंगा, इसमें मुझे 10 दिन लगेंगे, पेंट कर देता हूं कमरा, इसमें कितने दिन लगेंगे? अच्छा हम कहे अच्छा अगर एक तुम्हारे साथ बंदा और लगाते हैं, वो कहेगा अब 4 दिन लगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैथ ये बताता है 5 दिन लगेंगे, उसने कहा 4 दिन लगेंगे। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा देखे सर अगर एक ही बंदा सारा काम करेगा, एक तो वो थक भी जल्दी जाएगा, सारा काम उसने करना है, और दूसरा बाजू का ऐसा होता है कि एक सारा काम करने के बाद फिर मटेरियल तैयार करना होता है, उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन अगर 2 बंदे होंगे तो हमारा काम जल्दी, हम काम आपस में बांट लेंगे, जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूं वो मैं करूंगा, जिस काम में वो दूसरा बंदा एक्सपर्ट है वो दूसरा बंदा करेगा, तो ये काम हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। आप इस लॉजिक से एग्री करते हैं कि जल्दी? बिल्कुल ऐसे है। तो ध्यान में रखिए कि जब हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो हमारे आउटपुट में जो इंक्रीज होता है वो निस्बतन ज्यादा होता है, वो निस्बतन ज्यादा होता है। अब मुझे ये बताइए और एग्जांपल सुने, क्लास में पहली ऑप्शन, क्लास में एक ही स्टूडेंट है, अब बताइए क्लास की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी या क्लास में अगर 2 स्टूडेंट होंगे? 2 में ज्यादा, क्योंकि उनका आपस में कंपटीशन वगैरह भी होगा, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए वो ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारी क्लास की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें। एग्जैक्टली यही काम वो बता रहा है, यही कंसेप्ट सिखा रहा है। हमने उसे कहा मजदूर को, उस बंदे को कहा भाई तुम 10 एकड़ में, 1 एकड़ में फॉर एग्जांपल 10 मन एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अकेले तुम लगे रहते हो सारा काम करते हो, क्यों ना तुम्हारे साथ एक बंदा और ऐड कर दिया जाए, एक वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन और ऐड कर दिया जाए। बताइए अब अगर 2 लोग काम करेंगे तो क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगी? अब प्रोडक्शन जो है वो, अगर फर्ज कीजिए कि लैंड में जगह है, इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहला कंसेप्ट ये है प्रोडक्शन फंक्शन का, कि अगर आप फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे रूम की एग्जांपल है, समझे ये रूम जो है ये फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पेंट करने वाला वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आप फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाएं
बताइए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। यहां तक एग्री करते हैं, आधा काम मेरा हो गया, आधा बाकी रह गया, यहां तक एग्री करते हैं। एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं, अगली बात समझ आ गई तो लेक्चर पूरा कंप्लीट कंसेप्चुअली। इससे तो आप एग्री करते हैं कि अगर इक्वल अमाउंट से इनपुट्स बढ़ाए जाएं तो इक्वल अमाउंट से आउटपुट नहीं बढ़ते। मैथ में ऐसे होता है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। चले ये कंसेप्ट तो गलत इससे। अच्छा आप सुने अगला कंसेप्ट, 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 5। दूसरा कंसेप्ट यह है, ये क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, नहीं नहीं मैं समझाता हूँ, एक मिनट है, आधा कंसेप्ट, नहीं नहीं मैं अभी करता हूँ सही, इसको सुन ले। आपने कहा सर ये बात तो समझ आती है, एक बंदा अगर पेंट करेगा पूरे कमरे को 10 दिन लगाएगा, दो बंदे लगा दे 4 दिन में काम खत्म कर देंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है उनमें, वो काम आपस में बांट लेते हैं, जो जिस काम में एक्सपर्ट है वही करेगा तो काम जल्दी हो जाएगा। ये बात समझ आती है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती। मैं क्या सुने, एक बंदा लगाया 10 दिन में काम किया, दो बंदे लगाए 4 दिन, तीन बंदे लगाए वो शायद एक दिन में कर ले, लेकिन अगर यहां पे 10 बंदे लगा दिए जाए पेंट करने के लिए, एक बंदा अपना कोई पेंट बना रहा होगा, दूसरा उसको साफ कर रहा होगा, वो आपस में वो एक दूसरे के साथ, एक ने अपना मटेरियल रखा होगा, दूसरे ने अपना, गपशप भी करते रहेंगे, भाग दौड़ में किसी का मटेरियल उधर गिर रहा है, किसी का उधर गिर जाएगा। जब वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, जब वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होता है। आपने अगर कभी अपने घर में काम करवाया हो ना मजदूरों से, इनकी आपस में बड़ी लगती है, ठीक है। हाँ अगर आप कह देना इनको कुछ चाय के लिए कोई 10-15 मिनट की ब्रेक होती है, ये 1.5 घंटा बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, वो अपने अपने वाक्य बयान करते रहते हैं, बाज़ का एक दूसरे का लड़ाई होती है। वो हमारे घर में किसी ने काम करवाया, काम सही नहीं किया, मैंने कहा काम क्यों नहीं सही किया, कहने का सर ये दूसरा बंदा मेरी इसका लड़ाई हुई थी तो इसने जो जैसी चीज़ें जहाँ रखी थी मैंने समझा कि सही रेखे मैंने ऐसी फिट कर दी, और दूसरा कहता नहीं सर मैंने तो इसे नहीं कहा था, मैंने तो भी इसके ऊपर काम करना था। तो उसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब आज खुद बताइए, अगर इस कमरे का पेंट करने के लिए 20 लोग हम बुला लें, क्या वो 2 घंटे में काम कर देंगे? बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बल्कि वो हो सकता है कि 10 दिन में भी काम करना हो, एक बंदा जो काम सही करता है दूसरा गलत कर दे। अगली एग्जाम्पल सुने, इस क्लास में फर्ज कीजिए 100 की रीजनेबल कैपेसिटी है, यहां पे एक स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां स्टूडेंट आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी? लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल होता है, जैसे 100 का लेवल, इसके बाद अगर हम मजीद इस क्लास में स्टूडेंट को ऐड करना शुरू कर दें 110 120 130, अब बताइए अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? अब प्रोडक्टिविटी कम होगी। भाई क्यों? पहले तो बढ़ रही थी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन हर प्रोडक्शन प्रोसेस का एक मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक कॉम्बिनेशन होता है। जब हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस कॉम्बिनेशन पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद मजीद आप यूनिट ऐड करते रहें तो फायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। इस क्लास में अगर हम 150 स्टूडेंट बिठा दें और फिर मैं आपसे कहूँ हाँ भाई अब प्रोडक्टिविटी का क्या हाल है, आप कहें सर प्रोडक्टिविटी छोड़ें तो सांस लेना मुश्किल है, ठीक है इधर तो सांस लेना मुश्किल है, तो क्या आप सही तरीके से पढ़ सकेंगे या मैं पढ़ा सकूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेबर ज्यादा से ज्यादा करते रहना एक हद तक तो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप फिर उस मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल के बाद भी लेबर को बढ़ाते जाएंगे तो फायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और हमें ये सारा ला समझाने के पीछे उसका मकसद एक ही था कि आप जिस बिजनेस में भी है अंदाजा लगाएं कि हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना बढ़ाएं। भाई आपकी फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, उसमें मशीनरी है, उसमें अगर 10 मशीनरी है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्कर ले आए चलेगा, लेकिन अगर 20 वर्कर ले आए, क्या अब मशीनरी 10 है फिक्स है,
20 वर्कर्स, 10 वर्कर बढ़ा दिए आपने, पहला वर्कर लगाया प्रोडक्शन बढ़ी, दूसरा बढ़ाया प्रोडक्शन बढ़ी, 10 तक प्रोडक्शन बढ़ी, 11वां लेबर ऐड करेंगे आप वर्कर, क्या प्रोडक्शन बढ़ेगी? वो तो नहीं बढ़ेगी। 12वां 13वां, तो ये कंसेप्ट लेके आना कि जितने मर्जी इनपुट बढ़ाते जाएं आउटपुट बढ़ती ही रहेगी, ये कंसेप्ट गलत है। बल्कि हो सकता है एक्स्ट्रा बंदा, अगर 2-4 बंदे आप 10 मशीनें हैं, 10 वर्कर्स ऑलरेडी हायर किए हैं, 5 वर्कर रोज ले आए, वो एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दे, भाई अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, मैं पहले आया था तुम पहले आए, प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसीलिए जहन में रखिएगा कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूं, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में दो फेजेस होते हैं। अगर आप इन, पहला फेज क्या है, इनपुट को बढ़ाते जाएंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, फिर एक लेवल आएगा उसके बाद मजीद इनपुट को बढ़ाते जाएंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल। अब देखते हैं इसको डिफाइन वो कैसे करता है, ये जरा पढ़ते हैं। ये सामने रखे पेज 67 पे, एक एक लफ्ज समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट तभी बनेगा हमारा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ए शॉर्ट रन कंसेप्ट, शॉर्ट रन को अंडरलाइन करें, शॉर्ट रन कंसेप्ट है, लॉन्ग रन नहीं है, लॉन्ग रन नहीं, शॉर्ट रन है। दैट शोज हाउ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो ये बताता है कि वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, ये बताता है हमें। कह रहे देर आर टू इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दो अहम फेज है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। पहला क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा कह रहा है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। अच्छा देखें, आउटपुट, आउटपुट का दूसरा नाम क्या बताया था, प्रोडक्शन, तीसरा नाम सुन ले रिटर्न, रिटर्न। एक तो रिटर्न था ना, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये वो वाली रिटर्न नहीं है। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सुना है कभी आपने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे जो हमें प्रोडक्टिविटी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न वाला रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला है, फायदे वाली बात। खैर क्या कह रहा है, ये बात गौर से सुनिएगा, कंसेप्ट सारा इसी में है। कहता है इफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल लेबर, आर एडेड टू फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहता है कोई फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे ये कमरा फिक्स, इसमें अगर मोर से मोर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर को ऐड करते जाएंगे क्या होगा। कहते हैं इनिशियली शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट किसको कहते हैं, आउटपुट को, रिटर्न को। क्या बता रहा है, कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाएं आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, और अगर फिर भी ऐड करते जाएं, अगला फेज यही है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। कहता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न क्या है, इफ वी कंटिन्यू एडिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं अगर उसके बावजूद आप मजीद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाएं तो फिर क्या होगा, आफ्टर ए सर्टन पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, कुछ एक पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ आई उसके, नहीं समझ आए, इकोनॉमिक्स में टेबल के बगैर, डायग्राम के बगैर बात समझ आ जाए, हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बताइए, नहीं टाइम शॉर्ट, टाइम क्लास टाइम पे नहीं शुरू हुई थी, आप जो मैं इस वजह से थोड़ा, ये दो कॉलम लेफ्ट साइड पे हैं, तीन कॉलम राइट साइड पे हैं। ये 50 रुपए इनाम दूंगा उस स्टूडेंट को जो मुझे लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम में फर्क बताएगा क्या है। गलत नहीं, ये सिर्फ ये टाइटल को सामने रख के बताए, ये है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। एंड वाले भाई नजर आ रहा है आपको, अच्छा अब बताइए,
शाबाश। भाई ये दोनों कॉलम इनपुट है, ये दोनों कॉलम इनपुट है और ये तीनों आउटपुट है, ये फर्क है। नहीं तो इनाम ना मिलता तो रात उसने यही गुजारनी थी यार। हम जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में 50 का इनाम जीते थे ना तो दोस्तों को 150 की टीट खिलानी पड़ती थी। चल तो ये है हमारा इनपुट के कॉलम, ये है आउटपुट के कॉलम। अच्छा इन दो कॉलम को देख के मुझे बताइए ये शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है। कैसे पता चला शॉर्ट रन है? भाई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा अब देखे इस लेवल पे, भैया बस कर दे, इस लेवल पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनकी आपस की रेशियो क्या है? 1:0, 1:1। इस लेवल पे इनकी आपस का रेशियो क्या है? यहां पे रेशियो प्रोपोर्शन क्या है? 1:4, 1:5, 1:6। बताइए क्या हर लेवल ऑफ आउटपुट पे इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपस की रेशियो फिक्स है कि वेरिएबल है? चेंज हो रही है, इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें हर नेक्स्ट लेवल पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो आपस की रेशियो है वो वेरी करती रहते हैं। यहां पे 1:1, यहां पे 1:2, रेशियो वेरी कर गई ना, 1:3, 1, इसीलिए इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे होता 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, बताइए इनकी आपस की रेशियो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वेरी कर रही होती? नहीं, वो तो वही सिंप्लीफाई करे 1:1 वही रहते। तो यहां पे इसका नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों पड़ा? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपस की रेशियो जो है वो चेंज हो रही है हर लेवल के साथ, तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ आ गया। इसमें देखें हमने ये फिगर्स एज्यूम किया, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1 रखे, 10 रखे, 100 रखे, 20, जितना मर्जी आपकी मर्जी है, लेकिन रखना फिक्स है। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हमने एज्यूम किया 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, देखिए इंक्रीज हो रहा है। फिक्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का निशानी यही है, वो फिक्स रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की निशानी यही है, वो वेरी करता रहता है। ये टेबल समझ आ गया? अच्छा आगे चलते, आगे है आउटपुट वाला। तीन कॉलम है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। आपकी मर्जी है तीनों में से कोई एक कॉलम अपनी मर्जी वाला याद कर लें, बाकी के दो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। जो तीनों में से आपको आसान लगे वो याद कर सकते हैं, बाकी ऑटोमेटिक। जैसे फर्ज कीजिए मैंने टोटल प्रोडक्ट का याद किया, अगर तो टोटल प्रोडक्ट आ गई 1:3:6:8:9:9:8, ये टोटल प्रोडक्ट आ गई। वैसे मुझे जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट का याद करना ज्यादा आसान लगता था, बहरहाल आपकी मर्जी। अब बताइए टोटल प्रोडक्ट ये है, मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन को कह रहा है ये हमारा अज्यूम करें लैंड है, ये लेबर है। मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, यही फार्मूला। हाँ चेंज इन, भाई यही फार्मूला था ना, मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला भी यही नहीं था? नहीं, मिलता जुलता था। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स।
तो याद रखें, मार्जिनल जब कभी कैलकुलेट करेंगे इसका फार्मूला क्या होगा, चेंज इन टोटल डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। अभी मैंने आपको मार्जिनल रेवेन्यू समझाया क्या होता है, इसका फार्मूला सुना दें मुझे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट समझाया, जरा इसका फार्मूला बता दे क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। यूनिट्स से मुराद यहां पे लेबर है, यूनिट्स ऑफ इनपुट। पहले कैलकुलेशन करके देखें, पहले की क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आती है, जीरो, जीरो ही आएगी ना, जीरो जीरो। दूसरे केस में चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी कितना, टू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट वन, आंसर कितना आया, नहीं नहीं भाई एक मिनट, ये कैलकुलेशन करके देख, साथ साथ चलते रहे, कैलकुलेशन हाथों से निकलेगी फिर समझ आएगी कंसेप्ट की। वन टू, आगे चलें, यहां पे चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी थ्री डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट वन, थ्री आ गया, यहां पे टू, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है, हाँ, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, ठीक भाई, ये फिगर्स क्लियर हो गई आपको। अच्छा बताइए आप, एवरेज प्रोडक्ट का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल आउट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, भाई एवरेज का हर जगह पे यही फार्मूला होता है। भाई शाहिद आफरीदी ने एवरेज स्कोर कितने किए एक मैच में, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस, ऐसे ही आता है ना, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस। एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको पढ़ाया, तो बताइए एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट पढ़ाया आपको, तो बताइए इसका फार्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो एवरेज प्रोडक्ट का फार्मूला भी क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स लेबर के। टोटल प्रोडक्ट कितनी है, ये है, यूनिट्स कितने, ये बताइए क्या आंसर आता है, पहले का वन, दूसरे का थ्री डिवाइडेड बाय टू, वन पॉइंट फाइव, वन पॉइंट एट जीरो, वन पॉइंट फाइव सिक्स, फाइव जीरो, वन फोर। देखिए टेबल सारा क्लियर हो गया, ये तो हमें वैसे ही याद है ना, वन 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 फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन जीरो से शुरू करना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हो गया इनपुट। यहां पे आपको कोई एक कॉलम याद करना है, कोई एक कॉलम याद करना है, याद के बाकी दोनों ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, बेहतर होता है वैसे दोनों में से कोई सा भी याद कर लें, बाकी ये याद कर लें तो मेरा ज्यादा आसान हो जाएगा, इस याद के याद करने से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अब सुनिए, ये इनपुट ये आउटपुट, हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये क्या बताता है, अगर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएं तो पहले क्या चीज इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट, ये सबसे अहम कंसेप्ट है, याद रखे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्जिनल प्रोडक्ट को डील कर रहा है, इन दोनों को डील नहीं कर रहा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये नहीं है, इफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एडेड टू फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देन एट स्टार्ट टोटल प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज, लॉ ये नहीं है,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जिक्र किसका है? अगर आपने टोटल प्रोडक्टिविटी का जिक्र किया अभी तो गलत हो जाएगा लॉ, ठीक है भाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी पढ़ा था ना, उसमें जब यूनिट बढ़ाते थे तो लॉ क्या हम कहते थे कि कौन सी चीज डिक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी के टोटल यूटिलिटी। तो वहां पे अगर हम टोटल यूटिलिटी लिखते टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, क्या हमारा लॉ ठीक होता? गलत होता। तो यहां पे भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो ओरिजिनल लॉ है उसमें जिक्र किस चीज का है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। उसमें जिक्र टोटल प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्टिविटी का नहीं है। आखिरी क्वेश्चन आज का, अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ ऐड करते जाएं तो रिलेशनशिप बनाना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के साथ। असल में जो आपको बताया था ना, रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट का, इनफैक्ट वो रिलेशनशिप इसका इसके साथ बन रहा है, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। ये वाला कॉलम क्यों बनाया? ये बताने के लिए कि ये शॉर्ट रन है लॉन्ग रन नहीं है। ये वाले दो कॉलम क्यों बनाए? ये वाले दो कॉलम क्यों बनाए जब हमारा लॉ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कंप्लीट हो रहा था? ये वाले क्यों बनाए? इसलिए टोटल प्रोडक्ट का इसलिए बनाया कि इसके बनाए बगैर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट ही नहीं हो सकती थी। और एवरेज प्रोडक्टिविटी का इसलिए बनाया ताकि इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के साथ रिलेशनशिप बनाया जा सके, ठीक है। अब देखें कल के लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का टोटल प्रोडक्टिविटी के साथ रिलेशनशिप देखना है, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का एवरेज प्रोडक्टिविटी के साथ रिलेशनशिप देखना है। आज घर जाके आप क्या करेंगे, पहले मुझे ये बताइए कंसेप्ट समझ आया? दो मिनट में क्विक रिवीजन, सिर्फ दो मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बताइए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इनपुट का आउटपुट के साथ रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक्स में कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, कौन शॉर्ट रन और लॉन्ग। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करने का नाम क्या है, लॉन्ग रन में क्या है? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क क्या है? शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स, कुछ वेरिएबल, लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल, ठीक है। बेसिकली अगर आपसे कहा जाए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, आप कहेंगे अगर कोई फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स हो उस पे आप वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन ऐड करते जाए, शुरू में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, शुरू में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कम हो जाएगी। अब देखें आखिरी चीज, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहां से लेके यहां तक बढ़ रही है, एग्री करते हैं, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहां से यहां कम हो रही है, इस वाले फेज को ये पूरा लॉ क्या है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहां से लेके यहां तक को क्या फेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न, और यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ही दो फेजेस हैं। ये बात समझ आई? घर जाके क्या करना है आपने, तसल्ली के साथ एक तो अच्छा जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही पढ़ना है। पेज 67 में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिखा है, इसमें पढ़ना है। देखिए अजम्पशंस नीचे नहीं पढ़नी, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न भी पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, आगे चल के टेबल, कोशिश करें टेबल आपको जुबानी याद हो जाए आज की आज ही। फिर सबसे मुश्किल काम डायग्राम में आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे लेबर, वाई एक्सिस पे पहले टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व बनाना है, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, फिर एवरेज प्रोडक्टिविटी का, जैसे ये बनाया हुआ है बना लेंगे। ये आपकी डायग्राम थोड़ी सी अजीब बनेगी, ये मैं कल आपको बताऊंगा कि थोड़ी सी अजीब क्यों बनेगी, शेप इसी तरह की आएगी लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी बहुत ऊपर तक चली जाएगी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी नीचे नीचे रहेगी, डिफरेंस ज्यादा आएगा। क्यों आएगा ये कल डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट समझ आ गया क्या करना है, लॉ को पढ़ना है चार पांच दफा, जितनी दफा पढ़ेंगे उतना ही बेहतर है, उसके बाद फिर टेबल याद करना है,
फिर ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है जी। कल इस लॉ को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे, ठीक। आज का